लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। खबर कानपुर देहात विधानसभा सामान्य निर्वाचन सन 2022 के तीसरे चरण में आज संपन्न हो रहे मतदान में वैसे तो उत्तर प्रदेश में कहीं बड़ी हिंसा की खबरें नहीं आ रही, वहीं कानपुर देहात में सिकंदरा भोगनीपुर रसूलाबाद अकबरपुर रनिया चारों विधानसभाओं में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया, वहीं पुलिस अधीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने चारों विधानसभाओं में भ्रमण कर मतदान का जायजा लिया। शाम 4 बजे तक जनपद में 48% मतदान हुआ, वहीं जनपद की चारों विधानसभा में भाजपा नेता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आए। हालांकि भाजपा सपा कांग्रेस बसपा चारों राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्षेत्र में घूमते दिखाई पड़े। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्र मालवीय नगर में सुबह से मतदाताओं की कतारें लगी देखी गई, यही हाल कई मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ा। हालांकि 11 बजे दिन में कई मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी शांत बैठे नजर आए क्योंकि मतदान केंद्र पर मतदाता नहीं दिख रहे थे। हालांकि अभी 6 बजे तक मतदान होगा, 6 बजे तक 60-62% मतदान होने की संभावना दिख रही है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए अवधेश मिश्रा की। अच्छा, वोट डाला है आप, मशीन में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपको? अधिकारियों कर्मचारियों पुलिस महकमा लगा इनसे कोई दिक्कत परेशानी? सब बढ़िया है, तो चेहरे मुस्कान होना चाहिए, आप मत डाल के आए हो। हम पर क्या पर्चे है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। ये जगह कौन सी है? ये ग्राम हिजावा है। अच्छा, आज मतदान हो रहा है, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, वोट मेरा पड़ गया है। अंदर मशीन में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। पुलिस प्रशासन यहाँ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी है किसी से कोई समस्या? यहाँ पर कुछ दुरुस्त है। लेटरिन बाथरूम के अंदर कुछ देखा आपने? नहीं, कुछ नहीं, सब साफ सुथरा है, जो कुछ है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। तो मुस्कुराहट है चेहरे पे अपना मत करके? क्यों नहीं मुस्कुराहट है, जब मेरा अधिकार है, मेरा अपने अधिकार का प्रयोग किया तो मुस्कुराहट क्यों नहीं होगी? क्या नाम है मैडम आपका? मनीषा देवी। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे सहयोग सबका भरपूर हो रहा है ना आपके द्वारा? किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। मशीन में अंदर कोई गड़बड़ी का तो ऐसा कोई अभी नहीं शिकायत आई आपके पास? अभी नहीं आई। वोटरों को भरपूर यहाँ सहयोग आपके द्वारा दिया जा रहा है। क्या पर्चा है चाचा आपका? तो आप यहाँ पे एजेंट हैं? कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो उसका सहयोग कर रहे हैं आप? अभी तक कोई समस्या यहाँ पे आई? तो आप यहाँ की बार निगरानी के लिए एजेंट बनाए गए हो? किसी ने बनाया कि आप अपनी मर्जी से बने हैं? बनाया किसी ने, तो देख रेख कर रहे हो, दिखता है सही से, नजर नजर पड़ती है आपकी है। उम्र क्या होगी आपकी? 84 साल। तो 84 साल में इतनी उत्सुकता है आपको? अखबार आप दे दो पढ़े।